మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కుటుంబ అభివృద్ధి గురించి జిల్లా అభివృద్ధి గురించి మీద మనం ఎక్కువ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఎంత ఆదేశాల మేరకు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब बाशा, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। ये गवर्नमेंट एक जीओ दी 6 तारीख शाम में, इसमें कम्युनल हारमोनी बोल के अब एपी स्टेट में मजहबी मामला थोड़ा देवला में गुड़ियां को तोड़ना मालूम नहीं जैसा रात में थोड़ा गड़बड़ करना ऐसा चलते हैं। इसके वास्ते गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम क्रिश्चियन जैन और हिंदू एक एक रिप्रेजेंटेटिव को रखो। वो डिस्ट्रिक्ट में कौन से हाइपर सेंसिटिव एरियाज है वो आइडेंटिफाई करके पुलिस डिपार्टमेंट से उसके ऊपर क्या क्या करना, क्या एक्शन लेना, एक्शन प्लान बना लो, एक्शन इम्प्लीमेंट करने का ये सब कलेक्टर सर हमारे से डिस्कस करें और एक कमेटी भी बने। ये कमेटी नंदयाल, आधोनी, कन्नूर, ज़्यादा से ज़्यादा आधोनी में थोड़े प्रॉब्लम्स है, वो साइट के प्रॉब्लम्स भी रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस हमें एंडोमेंट डिपार्टमेंट के लोग मिल के ये सॉल्व करें ना जल्दी से जल्दी, करे तो प्रॉब्लम नहीं रहता। क्रिएट होने के क्या क्या वजह है कि उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखो करके बोले। और हर एक खेड़े में एक एक कमेटी पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से खेड़े की कमेटी भी बनाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले को कहाँ ग्राउंड लेवल में प्रॉब्लम क्लियर करने के वास्ते ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में एक प्रोग्राम बनाने का भी प्लान करें और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होगा। वॉलेंटियर के इसमें हर एक विलेज में एक सेक्रेटेरिएट है, उसमें वॉलेंटियर का नौकरी करने वाले लोगों से भी इंफॉर्मेशन लेना करके बोले। और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक भी कंट्रोल करना बोले, इसमें थोड़े लोगों को डर नहीं रहता, कोसा भी रखे तो चलता, फेक न्यूज़ भी करके ये लोग समझते हैं। उसे एसपी सर अच्छा हमला को एक्सप्लेन करें कंपलसरी टेक्नोलॉजी से कौन किधर क्या गलत रखे तो भी सोशल मीडिया में इमीडिएट से उनको कैच करते हैं और पनिश भी करते हैं। इसके बारे में लोगों को भी अच्छा अवेयरनेस लाना बोल को ये स्पीच वीडियो देखे सवाले। वालेकुम रहमतुल्लाह की बरकातहू। मैं हाफिज़ मंजूर अहमद, इमाम ख़तीब मस्जिद गोंडा। आज कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई थी कलेक्टर साहब की जानिब से। इसकी वजह यह है कि पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम के सिलसिले में नाखुशगवार हालात इधर उधर से पेश आ रहे हैं, तो सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब की जानिब से यहाँ कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को आर्डर्स आए हैं, तो उन्होंने आज एक मीटिंग तलब की है और एक पीस कमेटी जो है पूरे ज़िला करनूल के अंदर बनाई गई है। इसका मकसद यही है कि कहीं भी ऐसे जो हिंदू मुस्लिम के जो फसादात हैं या कहीं मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना या ऐसे इस किस्म के कोई भी वाकयात हैं वो ऐसे कभी जो है पेश ना आए और हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा आपस में ना हो, इस सिलसिले में एक आज 20 मीटिंग रखी गई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जगन मोहन रेड्डी साहब का और कलेक्टर साहब का और एसपी साहब का कि जो इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इकदाम इस सिलसिले में उठाया है। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कमेटी नमूना बनेगी, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरीके से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आगे भी मुसलमान जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन को पुरअमन बनाने की कोशिश कीजिए, इस किस्म के कोई भी मामले को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश कर रहा है कि जहां तक हो सके हिंदुस्तान में करनूल में पुरअमन वाक़े पुरअमन हालात ही हमेशा साजगवार रहें। लिहाजा आप तमाम हजरात से अपील है कि जहाँ तक हो सके इस माहौल को पुरअमन।